नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बस्ती के हरैया विधायक अजय सिंह ने 30 मार्च को एक पत्र जारी की है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार से बड़ी मांग की है। इस पत्र में उन्होंने सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाने की अपील की है। बता दें कि बस्ती हरैया के विधायक अजय सिंह हाल ही में पूरे देश में विकसित भारत एम्बेसडर में चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को हटाने की मांग क्यों की, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बस्ती के हरैया विधायक अजय सिंह ने 30 मार्च को एक पत्र जारी की, जिसमें जिला सुरक्षा समिति से अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाए जाने की अपील की। पत्र जारी कर विधायक ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों की समय सीमा बढ़ाने हेतु शासन और जिला सुरक्षा समिति को पत्र लिखना था। इसके उत्तर में विधायक ने पत्र लिखा कि मेरे सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पे होने वाला व्यय सरकार पे अनावश्यक है, अतः मेरी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विधायक अजय सिंह वकालत की पढ़ाई के साथ साथ MBA डिग्री धारी हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई के उपरांत 10 साल निजी क्षेत्र में नौकरियां भी की है। हरैया की जनता ने अजय सिंह को दूसरी बार सदन में विधायक बनाकर भेजा है। उच्च शिक्षित होने का नतीजा ये रहा कि हरैया के विकास के लिए उन्होंने सदन में आवाज उठाई और क्रमबद्ध तरीके से हरैया के विकास को गति प्रदान की। विधायक अजय सिंह ने बताया कि मौजूदा सरकार की शासन व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इसमें एक आम आदमी की भी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। इस स्थिति में एक विधायक के रूप में हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा पे बेवजह सरकारी धन खर्च न हो, इसलिए हमने सुरक्षा हटाने के लिए पत्र लिखा है। बस्ती के हरैया विधायक अजय सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रदेश के एक आम व्यक्ति भी सुरक्षित है, इसलिए अजय सिंह ने पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाने की अपील की है। बस्ती हरैया की विधायक अजय सिंह हाल ही में पूरे देश में विकसित भारत एम्बेसडर में चौथा स्थान प्राप्त किया था। बता दें कि इसके लिए पीएम मोदी ने एक्स पे विकसित भारत अभियान की एम्बेसडर रिपोर्ट जारी कर विधायक अजय सिंह को बधाई भी दी थी। विधायक ने इसके लिए पीएम मोदी और पार्टी मार्गदर्शन का आभार जताया था। वहीं बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि नमो ऐप पे जोड़ने के लिए उन्होंने पूरी टीम बनाई, जिसका असर ये हुआ कि उनके विधानसभा में 1 लाख से अधिक की जनता इस ऐप से जुड़ गई। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।